Good evening, everyone. Thank you very much, Church of Nazreen Management और Hymnal Band की तरफ से. और शुक्रिया, बड़ी अच्छी आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड था. सो क्योंकि टाइम हमारे पास 360 है तो मैं टॉपिक की तरफ जाऊंगा. सो डाइवर्सिटी, जैसे उन्होंने शुरू में बताया है कि शादियों की एक एग्जांपल दी है. एक्चुअली राइट नो माय ड्रेस कोड इज डाइवर्सिटी. आई एम द ओनली वन हु इज नॉट पुटिंग ऑन टाई. आई एम द ओनली वन हु इज नॉट यू नो टक इन माय शर्ट. माय शर्ट इज आउट. सो दिस इज डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी जो है वो चेंज है, मुनफरिद होना. और कलामे मुकद्दस जो है, मसीही जो है वो डाइवर्स है. वो इन सेल्फ डिफरेंट हैं बहुत सारे लोगों से. सर आर्थर ने शुरू में ही जो बताया है कि तुम दुनिया के नूर हो, तुम 10 पॉइंट्स उन्होंने डाइवर्सिटी के ऑलरेडी कोड कर दिए थे कि आप स्पेशल हैं, आपकी ये स्पेशलिटी है. तो सबसे पहले तो अपनी स्पेशलिटी को समझना बड़ा ज़रूरी है. कलामे मुकद्दस में 100 से ज़्यादा रेफरेंसेज हैं जो हमें बताते हैं कि हम किस किस पॉइंट से डाइवर्स हैं. लेकिन एक रेफरेंस मैं पढ़ना चाहूँगा, जो दूसरा पत्रस है, उसका 2 बाप, उसकी 9 आयत. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डेफिनेशन, कंसाइज, कंक्रीट और खूबसूरती से हमारी डाइवर्सिटी को बताती है कि तुम एक परगजीदा नस्ल हो, शाही काहिनों का फिरका हो, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है. सो ये हमारे लिए जानना और इसको अंडरस्टैंड करना, इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है कि हम डाइवर्स हैं. सो मैं चाहूँगा कि आप अपने साथ वाले जो बैठे हुए हैं सीट पे, स्पेशली यूथ, वो एक दूसरे को बताए कि मुझे फ़ख्र है अपने मसीही होने पर, डाइवर्स होने पर. ज़रा प्लीज़ बोलें आप कि हमें फ़ख्र है. लेकिन अब हम आएंगे अपने डाइवर्सिटी क्रिएट्स चैलेंजेस की तरफ. प्रॉब्लम यह है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, हमारे लिए डाइवर्स होना, हम डर जाते हैं, अपने ईमान का इकरार नहीं करते. लोग जो हैं वो मसीह अपने आप को छुपाते हैं, वो इस डाइवर्सिटी को ऑन नहीं करते. उसकी बहुत सारी रीज़न हैं. अमेरिकन और लास्ट ईयर अमेरिकन पब्लिश रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 5th नंबर पे है क्रिश्चियन परसिक्यूशन में, यानी दुनिया का 5वां वो मुल्क है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मसीहियों को सताया जाता है. सो शुरू में जॉब रिलेटेड डाइवर्सिटीज़ जो है वो हमें बहुत देखनी पड़ती है. लेकिन सबसे पहले तो हमें कलाम मुकद्दस जो हमारा मेन टूल है वो हमें बताता है कि हमें खुश होना है. अगर हमें परसिक्यूट किया जाता है, अगर हमें डिफ्रेंशिएट किया जाता है, डिफरेंट नाज से देखा जाता है, तो हमें उसके लिए खुश होना है. सो हम बात करेंगे टूल्स, डाइवर्सिटी रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं उनके टूल्स पे मैं ज़्यादा बात करना चाहूँगा. और जनरल चैलेंजेस आपको पता है, क्योंकि हम एक मसीही सोसाइटी में रहते हैं, जैसे थ्रेट्स होते हैं मसीहियों को बहुत ज़्यादा जॉब्स पे, कि उन्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा, उन्हें डिफरेंट तरह के थ्रेट्स जॉब पे दिए जाते हैं. हरासमेंट बहुत ज़्यादा है मसीहियों को, साइकोलॉजिकल हरासमेंट है. मसीही बच्चियों को सेक्सुअल हरासमेंट फेस करनी पड़ती है. और जो पाकिस्तानी रिपोर्ट है लास्ट ईयर, 351 केसेस रिपोर्ट, दीज आर द रिपोर्टेड केसेस. और मज़े की बात है कि हम वो कौम हैं जो अपनी परसिक्यूशन रिपोर्ट भी नहीं करते. लाइक खादमों ने बताया कि हमारा पहला टूल है स्पिरिचुअल. हम उसे स्पिरिचुअली, 90% लोग शायद स्पिरिचुअली उसको हैंडल करते हैं. 10% ऐसे होंगे जो जिनके पास रिसोर्सेज होते हैं, जो जाते हैं, लॉयर हायर करते हैं, जो किसी एनजीओ को अप्रोच करते हैं. सो आप अंदाज़ा करें कि हमें कितने सारे चैलेंजेस जो हैं. फोर्स कन्वर्शन बहुत ज़्यादा है. एक रिपोर्ट के मुताबिक कम अज़ कम एक साल में 300 क्रिश्चन गर्ल्स को फोर्सफुली मुस्लिम किया जाता है. सो ये वो रिपोर्ट्स हैं. जो रिपोर्ट्स नहीं होती या जो लोग बताते नहीं हैं, उनका कोई वो नहीं है. इसके अलावा बहुत सारे कॉमन थ्रेट्स हैं, लैंड ग्रैबिंग है और ये. लेकिन ये थ्रेट्स, ये सारी प्रॉब्लम, इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी. वो चाहे स्टिफनेस से हो, चाहे आसिया बीबी तक हो, ये चलेगा. इट इज़ परपिचुअल, ये नॉन स्टॉपेबल है. अब हम इनको फेस कैसे करेंगे? हाउ कैन वी? सो जैसे
मतलब मुझे खुशी है कि मेरा टॉपिक एंड में आया, कि सर नवीद ने बड़ी ब्यूटीफुली पुली को डिफाइन किया. पुली इज़ अ वन ऑफ देम. पुली जो है वो भी डाइवर्सिटी चैलेंज है, और सर नवीद ने जो टूल्स बताए हैं, मेरे टूल्स मैं अब उनको नहीं रिपीट करूँगा, वो आप उनकी वीडियो देखेंगे आपको पता चलेगा. नेक्स्ट टूल है फॉरगिवनेस, जैसे सर एल्फ्रेड ने बताया फॉरगिवनेस. सबसे पहले कि अगर आपको कोई कर रहा है इस तरह की आपको सिचुएशन मिल रही है, तो आप दिल में उसको माफ़ करें, उसके लिए दुआ करें. नेक्स्ट जो है आप देखें कि हम कलाम मुकद्दस हमारा सबसे बेस्ट टूल है. बाइबल में पढ़ें, बाइबल में क्या क्या रेफरेंस हैं. विजडम बुक्स आप पढ़ें, प्रोवर्ब्स पढ़ें, आपको पता चलेगा कि कैसे जॉब पे आपने देखना है. फिर अर्ली क्रिश्चियन करैक्टर्स, जैसे कि हमारे पास दो बड़े ज़बरदस्त करैक्टर्स हैं जो हमें जॉब रिलेटेड डाइवर्सिटी बताते हैं कलाम मुकद्दस में, एक यूसुफ का और एक डैनियल का. डैनियल भी जो था वो गैर अकवाम में था, बट ही वॉज लीडर. यूसुफ भी था, वो भी गैर अकवाम में था, ही वॉज नॉट अमंग इसराइलिटीज. सो उन्होंने कैसे डाइवर्सिटीज को फेस किया अपने करैक्टर से. योर करैक्टर मस्ट बी अकॉर्डिंग टू बाइबल. बाइबल आपका फर्स्ट टूल है. आपका करैक्टर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि लोग प्लानिंग करें कि हम इन्हें कहाँ पर हरेस्ट करें, किस जगह पर हम इनको पकड़ें. आप एक कुछ जो हैं डाइवर्सिटी चैलेंजेस ये भी हैं, जो रेस, जो जस्ट रेस और आपके अपने करैक्टर पे हैं. आपने शराब पी लिया, पुलिस ने पकड़ लिया, मारा, अंदर फेंक दिया, आप फेसबुक पे कह रहे हैं कि मैं क्रिश्चियन हूँ और मेरे साथ ऐसे हो गया. इट्स नॉट लाइक दैट. सबसे पहले आपका अपना करैक्टर इतना मजबूत होना चाहिए, कोई भी आपको कुछ भी जो है वो नहीं कह सकता. सो दूसरा है अपनी कम्युनिटी को ऑन करना. अर्ली क्रिश्चियंस की मिसालें, सर ने पॉल की मिसाल दी, और इब्तदाई चर्च जो है वो एक दूसरे के साथ खड़े होते थे. इब्तदाई चर्च में चीज़ें कॉमन थी, जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं कि वो चीज़ें भेज भेज के एक दूसरे की हेल्प करते थे. बट आज क्रिश्चियंस की प्रॉब्लम ये है कि वो एक दूसरे की हेल्प नहीं करते. यूथ के लिए मेरा ये मैसेज है कि अगर आप फील करते हैं कि मतलब आपका कोई चर्च पार्टनर या चर्च का कोई किसी गलत साइड पे जा रहा है, सो कम टुगेदर, हेल्प हिम. अगर वो किसी नशे में जा रहा है तो उसको बाहर निकालें, स्ट्रैटेजीज बनाएं. एक अर्ली चर्च की कामयाबी यही थी कि वो मिलकर काम करते थे, यूनाइटेड थे, और एक दूसरे के जो चीज़ें थी उसमें हेल्प करते थे. और ये बड़ा ज़रूरी है. कलाम मुकद्दस में हमें और भी बहुत सारे टूल्स मिलते हैं. सो आई होप कि मैं 360 को जस्टिफाई करूँगा. आई विल नॉट टेक योर मच टाइम. सो आप सर नवीद ने जो बताया है बुली, इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस, वो भी है फॉरगिवनेस करना, और बाकी इट वॉज अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन. सो थैंक यू वेरी मच.